Very good morning and welcome to this new session. Yesterday we started the logic gates. We discussed about the different basic gates: universal gate, XOR gate, NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. तो हमने पूरी जानकारी लास्ट सेशन में हमने स्टडी की. तो इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो है सम लॉज विच आर यूज टू रिड्यूस द सर्किट, टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो पहले हम लॉ स्टडी करके लेंगे और उसके बाद हमें क्यों कर रहे फिर ये समझ के लेंगे. तो आई हैव लिस्टेड आउट द सम लॉज हेयर, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट और आप पेपर के ऊपर लिख के लीजिए, सो दैट डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया. और हम उसके बाद हम एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाले बाई यूजिंग दिस लॉ. तो मेरे पास फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस साइन दिख रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे हम मल्टीप्लीकेशन साइन, मतलब ए हो जाएगी एंडिंग, और प्लस साइन मतलब ए हो जाएगी ऑरिंग ऑपरेशन. अभी आपको ऑपरेशन मालूम है, एंडिंग ऑरिंग ऑपरेशन मालूम है. तो कम्यूटेटिव लॉ में ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, ऐसा हम ऑपरेशन कर सकते हैं, या 2 × 3 = 3 × 2. तो लेकिन ये ऑपरेशन हो रहा है डिजिटल में, हो रहा है 1 और 0 में हो रहा है. तो दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी इंटू सी, इंटू इज नॉट, इट इज एंडिंग, ए एंडिंग बी एंडिंग सी इक्वल टू ए एंडिंग बी एंडिंग सी. मतलब यहाँ पे दोनों का अगर हमने एंडिंग किया फिर वो आउटपुट जो है, फिर ये जो रिजल्ट है, अगर सी के साथ हमने एंडिंग किया तो ये हो जाएगा ए बी सी का हम एंडिंग कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हम ए के साथ एंड कर रहे हैं तो सेम मिल जाएगा. वैसा ही हमें ऑरिंग ऑपरेशन मिल रहा है, ए ऑरिंग विथ बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ऑरिंग विथ सी. तो ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए एंडिंग बी ऑरिंग सी, मतलब ये हो जाएगा जैसा मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए इंटू बी, दैट इज ए एंडिंग बी प्लस ए एंडिंग सी. तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एंडिंग लॉ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ए एंडिंग 0 0, ए एंडिंग 1 ए, ए एंडिंग ए ए, ए एंडिंग ए बार 0. ऑरिंग लॉ, ए ऑरिंग 0 ए, ए ऑरिंग ए ए, ए ऑरिंग 1 1, ए ऑरिंग ए बार इक्वल टू 1. इन्वर्जन लॉ, अगर मैंने दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका जो इनपुट रहेगा वही रह जाएगा. अदर लॉ, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. तो ए लॉ यूज करके हमने फिर से 3 4 लॉ एक्सटेंशन किया हमने, ए बार प्लस ए बी, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ए बार प्लस ए बी बार, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार. ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है, ए प्लस ए बी, ये हो जाएगा ओनली ए, और ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी. तो ये ऐसे लॉ हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए. तो प्लीज आप लिस्ट आउट कीजिए पेपर के ऊपर और टेक द स्क्रीनशॉट दिस, सो दैट दैट विल बी यूजफुल टू सॉल्व द एग्जांपल्स, डिपेंड्स ऑन द हाउ वी आर रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन. और एक इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ डी मॉर्गन्स थ्योरम. इस लॉ को कहा जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम और डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अगर ए एंडिंग बी किया हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ए इंडिविजुअल प्लस दैट इज ऑरिंग बी इंडिविजुअल, और ए प्लस बी, ए ऑरिंग बी दैट इज कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये हो जाएगा ए इंडिविजुअल और ए ऑरिंग हो जाएगा एंडिंग बी इंडिविजुअल. मतलब अगर एंडिंग होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन एंडिंग हो जाएगा रिप्लेस ऑरिंग से, ऑरिंग से. ऑरिंग का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ऑरिंग रिप्लेस हो जाएगा एंडिंग से. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डी मॉर्गन्स थ्योरम. और ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे इसके ऊपर. ये जो हमने फार्मूले और जो लॉस हमने स्टडी किए, तो इसके ऊपर हम डिफरेंट, नाउ वी आर स्टडिंग द हाउ वी आर रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे. तो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस फार्मूलेस. तो अभी आपके सामने अभी एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी. तो यहाँ पे इसको मुझे प्रूव करने का है, दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस.
तो भाई यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ RHS, देखेंगे आता है क्या। AB+A⁻C, तो वॉट आई विल डू हेयर, आई विल जस्ट यूज दिस AB+C+1+A⁻C(B+1), क्योंकि यहाँ पे A+1 इसका आंसर आता है 1, तो इसलिए हमने B+1 किया और C+1 यहाँ पे ले लिया, जो इसका आंसर आएगा 1। AB into 1 मतलब AB आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे AB+A⁻B+A⁻C मल्टीप्लाई किया हमने। अभी ए दोनों से मैं BC कॉमन लेता हूँ, तो अगर BC मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा A+A⁻+AB+A⁻C। यहाँ पे A+A⁻ इसका आंसर आएगा 1, तो ये हो जाएगा BC+AB+A⁻C। तो थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ, यहाँ पे AB+A⁻C+BC, अगर आप देखेंगे तो आपका LHS AB+A⁻C+BC, तो दैट इज इक्वल टू LHS, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अभी अगर आपको ये क्यों करने के, हमें क्यों कर रहे, ये भी हम समझ के लेंगे। अगर मुझे ये सर्किट यहाँ पे यहाँ ये सर्किट अगर मुझे डिजाइन करने का है, तो आई विल यूज AND गेट 1 2 3, एंड गेट लगेंगे मुझे 3, और गेट लगेंगे 1 2, तो और गेट लगेंगे मुझे 2, और यहाँ पे नॉट गेट लगेगा 1, नॉट गेट लगेगा 1। तो नॉट गेट अगर लग गए 1, तो यहाँ पे टोटल गेट कितने लग रहे मुझे, 5 6, 3+2 36। उसके बाद अगर मैं इस पे जाता हूँ, तो एंड गेट मुझे यहाँ पे लगने वाले एंड गेट 1 और 2, और गेट लगने वाला है मुझे 1, और नॉट गेट लगने वाला है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 4। मतलब आप देख सकते हो यही सर्किट मैं एक गेट यूज करके डिजाइन कर सकता हूँ, दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे 6 गेट चाहिए, तो आई हैव रिड्यूस द गेट बाय यूजिंग दिट 4 गेट, तो 6 गेट की जगह मैं 4 गेट यूज करके वही सर्किट में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये है एडवांटेजेस टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन। और इसका एडवांटेजेस क्या होता है, अगर 6 गेट लगने वाला है, तो उसको पावर सप्लाई, वो तो हर एक को अलग लगने वाला है, तो उसमें आपका पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, पावर कंज्यूमशन ज़्यादा होगा। और उसके बाद जो सर्किट में हम इनपुट फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0, तो उसमें डिले भी बढ़ जाएगा। मतलब इससे अगर वो 6 सेकेंड में आउटपुट आता है, तो इसके इससे आपको 4 सेकेंड में आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस फॉर द रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डिफरेंट आइडेंटिटीज और द लॉज। तो ये आप समझ सकते हो आप, तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेकेंड प्रॉब्लम लेंगे। तो भी आपके सामने सेकेंड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सोचिए कि हम कैसा सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे लेता हूँ LHS, मेरे पास है A⁻B⁻+A+B⁻, देखेंगे आता है क्या AB⁻+। तो एक एंडिंग और ओरिंग का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ऑब्वियसली मुझे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करने का है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हो जाएगा A⁻+B⁻+ ए हो जाएगा A⁻⁏B⁻A⁻B⁻। मल्टीप्लाई करके लीजिए A⁻⁏B⁻+A⁻B⁻B⁻+A⁻B⁻A⁻B⁻। मल्टीप्लाई करके लिए हमने, अभी A⁻⁏A⁻ मेरे पास है 0, और B⁻⁏B⁻ ए हो जाएगा B⁻। तो ए तो टर्म मिल रही है 0, और ए भी मिल रही है मुझे 0, A⁻⁏A⁻⁏A, और ये हो जाएगा A⁻⁏B⁻A⁻⁏B⁻। और यहाँ पे AB⁻ AB⁻ है, तो ये दिस इज ए, और ये हो जाएगा ए। तो ए टर्म्स मिले मुझे ये सॉल्व करने के बाद, आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या है, दैट इज इक्वल टू RHS, तो सेम आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अभी आप भी देख सकते हैं यहाँ पे अगर मुझे एंड गेट चाहिए, तो 1 2 3, 3 एंड गेट, उसके बाद ओरिंग गेट 1 2, ओरिंग गेट 2, और नॉट गेट 1 2 3,
तो यहाँ पे 6-8 गेट लग जाएंगे मुझे ये सर्किट डिजाइन करने के लिए, लेकिन सेम सर्किट आई कैन कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग एंड गेट एक और नॉट गेट एक, सिर्फ 2 गेट यूज करके मैं ये सर्किट डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये एडवांटेजेस है फॉर द रिड्यूसिंग द सर्किट, प्लीज नोट ऑन दिस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन योर स्क्रीन, ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बी डी, ए बी डी देखेंगे हम इसका आंसर आना चाहिए बी डी, तो देखेंगे हम आ सकता है क्या। तो मैं एल एच एस ले रहा हूँ यहाँ पे, ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बी डी, बी डी और बी डी और ए बी डी कॉमन दिख रहा है तो मैं बी डी कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे रहेगा ए बार सी बार प्लस ए बार सी, ए बार सी प्लस ए, फिर मैं लेता हूँ बी डी, यहाँ से मैं लूँगा ए बार कॉमन, तो यहाँ पे सी प्लस सी बार प्लस ए, सी प्लस सी बार मुझे पता है आंसर है 1, तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू ए बार प्लस ए, फिर मुझे ए बार प्लस ए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है बी डी, सो बी डी दैट इज बी डी, सो दिस इज इक्वल टू आर एच एस, गेटिंग। तो बहुत ही सिंपल है, अभी आप देख सकते हो सिर्फ एक एंड गेट यूज करके मैं ये पूरा पूरा जो सर्किट है वो रिप्लेस कर सकता हूँ, सो ये एडवांटेजेस है, प्लीज नोट डाउन दिस। तो अभी आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे सोच सकते हैं कि कर सकते हैं ये प्रॉब्लम क्या, नहीं कर सकते, सिंपल है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं, सिंपल हमने लॉ यूज करने का और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करने का, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे एल एच एस ले रहा हूँ मैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड, क्या कर सकते हैं अभी, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, अगर हमने ले लिया एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई, 2 मिनट सोचिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अभी इस प्रॉब्लम को, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड मुझे प्रूव करने का ही है, तो ये मुझे थोड़ा मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई ए टर्म्स और ए टर्म्स सेम लेता हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, तो ए दो टर्म्स और ए दो टर्म्स मैंने एक साथ लिए, तो यहाँ पे मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 प्लस जेड बार प्लस, और यहाँ से मैं वाई जेड कॉमन लेता हूँ तो ये मिलेगा एक्स प्लस एक्स बार, अब यहाँ पे 1 प्लस जेड बार ये आंसर आएगा 1, एक्स प्लस एक्स बार ये आंसर आएगा 1, तो मुझे यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड मिल रहा है, तो वाई इक्वल वाई अगर मैंने कॉमन ले लिया एक्स प्लस जेड, तो आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू आर एच एस, तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आपके सामने, ए प्लस बी बार सी प्लस बी प्लस सी बार ए इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार, तो एल एच एस लेता हूं मैं यहाँ पे, ए प्लस बी बार सी और ए हो जाएगा बी प्लस सी बार ए, मल्टीप्लाई करके लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए ए सी बार प्लस बी बी बार सी प्लस बी बार सी सी बार ए,
आप देख सकते हैं यहाँ पे बी बी बार और सी सी बार, मतलब बी बी बार और सी सी बार ये हो जाएगा जीरो, तो ये दोनों टर्म जीरो हो रहे, और ए इंटू ए ये हो जाएगा वन, तो यहाँ पे मिल ए इंटू वन नॉट वन इट इज ए हो जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी बार, आई थिंक आई एम गेटिंग द आंसर, ए बी प्लस ए सी बार, ए बी प्लस ए सी बार, तो दैट इज इक्वल टू आर एच एस, गेटिंग? बहुत ही सिंपल है, और आपको इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, और दिखने में आपको दिखाई देगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक स्टेप्स आपने लिखा है तो डेफिनेटली आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या कर सकते हैं हम, और सिंपल सिंपल लॉ है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करने का और हमें सर्किट रिड्यूस करने का है। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मिला है सिंप्लीफाई, दो प्रॉब्लम्स है आपके सामने सिंप्लीफाई करने के, तो हम देखेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ एंडिंग या ऑरिंग है और उसका अगर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू अप्लाई देयर फर्स्ट स्टेप, इट इज अ डिमॉर्गन्स थ्योरम, और डिमॉर्गन्स थ्योरम हमें पता है ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए ए इंटू बी इट इज इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, तो ये लॉ हमें अप्लाई करने का है, सो आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप है फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, सो ये क्या हो जाएगा ए बार बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी बार ए होल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से मैं यहाँ पे और यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ये एंडिंग है तो ऑरिंग हो जाएगा, तो ए बार कॉम्प्लीमेंट एंडिंग का प्लस बी बार इंटू ए ए बार प्लस बी बार बार कॉम्प्लीमेंट, गेटिंग? तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हो जाएगा ए प्लस बी बार, और ये हो जाएगा ए प्लस ए बार प्लस बी, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म, और ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे, ए हो जाएगा ए प्लस बी बार इट इज होल कॉम्प्लीमेंट इंडू दिस इज एंडिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा और, तो इट इज सी प्लस डी इट इज होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे फिर से मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे ए बार बार इंटू बी नहीं सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा, ए इन ए बार एक बार इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इट इज ए बार बी प्लस सी बार डी, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपल है, हमें सिर्फ डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने का, एंडिंग और इन होल डी मॉर्गन्स हो गया तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फॉलो करने के, दैट इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम, प्लीज नोट डाउन दिस। यहाँ पे सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो लास्टली आंसर आएगा आपका सी बार और डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा सी डी, तो ये नोट डाउन, मतलब यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, हमने डी लिया था, तो ये प्लीज मेक द करेक्शन देयर। तो अभी एक असाइनमेंट मैं आपके लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे चार प्रॉब्लम्स है सिंपल, हमें जो अभी हमने लॉ स्टडी की है उस लॉ यूज करने का है, और प्रूव दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये यूज करके आपको ये असाइनमेंट के लिए मैं अपने प्रॉब्लम दिया हूँ, तो ट्राई दिस प्रॉब्लम्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस प्रॉब्लम्स प्लीज व्हाट्सअप मी, सो आई विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, लेकिन आपको पहले ट्राई करने का है, आपको थोड़ा दिमाग वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको आंसर आता है कि नहीं आता है वेरीफाई कीजिए, इसका अगर आंसर आ गया है तो प्लीज राइट मी इन योर कमेंट, राइट मी कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई दैट यू आर गेटिंग द आंसर, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ट्राई यूअर सेल्फ ओनली, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, तो बहुत ही सिंपल है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, कल के सेशन में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड, मतलब एक एक्सप्रेशन फाइंड करने का है, एक आपको सर्किट दिया जाएगा, गेट दिए जाएंगे, एक कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा, और एक ट्रुथ टेबल दिया जाएगा, और ट्रुथ टेबल और सर्किट से हमें वहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करने का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो दैट कल के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले। तो आज का सेशन एक बार सब जो प्रॉब्लम्स है वो पेपर के ऊपर लिखिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे जो असाइनमेंट दिए तो डेफिनेटली ये इतना करने के बाद ये प्रॉब्लम आपको आ जाएंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। तो आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे, अगर आपको सेशन लाइक हुआ है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट द अपडेट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर न्यू वीडियो सेशंस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.